बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो मेरे कुछ स्टिच हो के आए हुए थे टेलर से कपड़े, और काफ़ी मेरे ख्याल में कोई 1 मंथ हो गया है और इनको पहना भी नहीं गया। तो मैंने कहा इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग की जो वीडियो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये यहाँ से पकड़ो बेटा, यहाँ से आपने बस यहाँ से पकड़ना, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके साथ ही पट्टी मिली थी फैशन पट्टी के तौर पर, आप इसको जहाँ मर्जी यूज़ करते। तो मैंने चौक पे यूज़ करने के बजाय यहाँ पे यूज़ कर ली, और ये मैंने इसके फैंसी बटन लगा लिए, और इस तरह से आपको यूं करके समझ आ रही होगी। और बाजू मैंने देखे हैं, ये सफ़ा मरवा का सूट है मेरा, चिकनकारी का, लग्जरी कलेक्शन में से। तो ये आगा इसका बेल शेप में बाजू, और ओवरऑल जो कमीज़ की लुक है वो कुछ इस तरह से आ रही है। और ये देखें, ये चॉक्स पे मैंने इसकी लगा ली है जी लेस, और नीचे जो मैं करवाना चाह रही थी वो मेरे जो हैं जिनसे मैंने स्टिच करवाया उनसे मतलब अरेंज नहीं कर सकी ऑर्गेन्जा का, तो उन्होंने मेरे ट्राउज़र में से जो कपड़ा बचा था उसकी यूं करके इसकी फ्रिल लगवा ली। तो आप यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से और यहाँ से पकड़ो, ठीक है। और ये टोटल आ जाएगी इसके दामन की लुक, अब आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। और ये सीक्वेंस वाला चिकनकारी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये चौक, और जो चौक है चौक की भी लेस उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ कट दे के लगाई है ताकि वो नोक उसकी ना निकले। ये देखें, यहाँ से आपको समझ आ गई होगी, ये इसके चौक हैं, ठीक है। इसी तरह से इसका सिल्क में जो है वो बड़ा ही खूबसूरत सा दुपट्टा है। और इसका जो, पहले मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखा देती हूँ। ये इसका ट्राउज़र है, 8 इंच पांचे के साथ मैंने रखवाया है, और ये इसके जो चौक पे लेस है वो ही मैंने इसके इधर लगवाई है। और ये इसका बहुत ही खूबसूरत लाइट वेट सिल्क में दुपट्टा है जी। और इसके चारों तरफ जो है, मैं बहुत बड़े वाली लेस लगाना चाह रही थी लेकिन मुझे इसके जो थे ना कलर स्कीम वो नहीं मिल रही थी, तो जिसकी वजह से फिर मैंने यही लगवा ली। चलें जी, अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ, जो कि है मेरा जी 2 पीस सूट लिया था मैंने। ये करंडी स्टफ है और ये ब्रीज से लिया था मैंने। ये इस तरह से इसकी स्किन कलर में लेस लगा ली, और बिल्कुल बोर्ड शेप में यहाँ से कट देके इसका गला बना लिया। ये पकड़े जरा, इधर आओ, उसको छोड़ दो ना पहले, इस तरह से ये देखें। और इसके भी दामन पे लगा ली है मैंने इस तरह से लेस। अब आपको सही से समझ आ गई होगी, ये देखें, यहाँ से आपको ये ऐसे, और ट्राउजर इसका बिल्कुल सिंपल है ब्लैक कलर का, और इसके साथ है स्किन कलर का ये मेरा स्वेटर, और स्किन कलर की है जी मेरी शॉल। और ये ड्रेस है मेरा सफायर का, और इसको मैंने बिल्कुल सिंपल सा जो है वो स्टिच करवाया है। ये देखिए, ये जो दामन से उतरता है कपड़ा ये मैंने लगवा लिया इधर, और अभी इसके जो है ना बटन वो रहते हैं, और वी शेप में इसका गला बना लिया, और लाइट से बेल शेप में इसके बाजू हैं, और ये मिल्की लेस है बहुत प्यारी सी, ब्लैक ही मैंने लगवाई है क्योंकि ओवर नहीं करना चाह रही थी मैं इसके सूट को। और ये छोटी लेस चौक पे फैशन पट्टी के साथ मैंने लगाई है, यानी कि अलहदा से मतलब कपड़ा लगा के। और ये नीचे है जी इसके बड़ी लेस, और इसी तरह से ये इसका दुपट्टा है, और दुपट्टे की भी चारों ओर मैंने लगा ली है लेस। और इसका जो ट्राउज़र है वो ब्लैक कलर का बिल्कुल सिंपल सा ट्राउज़र है। अभी आते हैं जी अपने थर्ड ड्रेस की तरफ। जो थर्ड ड्रेस है मेरा, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी कुछ इस तरह से बंच था एम्ब्रॉयडरी का, तो इसकी लगा ली मैंने यूं करके लेस, और यहाँ से पाइपिंग करके मैंने इसका
बटन के लिए जगह बना ली, और ये हुक के बगैर दो कलर के मैंने बटन लगा लिए। और बाजू है जो है, बाजुओं पे ये ट्राउजर का कपड़ा लगा के पिनटेक्स डाल के, दो तरह के पिनटेक्स हैं, पिंक और ग्रे। ये बाजू के मतलब आगे बड़े वाली लेस, और ज्वाइंट पे छोटे वाली लेस लगा के, और इसी तरह चौकस पे छोटी लेस, और ये ज्वाइंट लेस लगा के फिर से इसका जो है आगे दामन की जो पट्टी देते हैं इन सूटों की, वो देखे, और नीचे से ये खूबसूरत सी बड़ी लेस मैंने लगा ली। और इसकी भी बड़ी ही मज़े की लुक आ रही है। इसको इस कलर वाले ट्राउज़र के साथ, ऐसे ही बैग के साथ और ऐसी जूती के साथ आप पहने तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक वेस्टर्न ड्रेस जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मैंने ली जारा से शर्ट, कॉम्बो स्टाइल में शर्ट है ये, नहीं के इसकी ये जो आजकल पैंट्स आई हुई है इस तरह से इसकी है जी पैंट, ये देखें ऐसे है। और स्किन सा शेड है बड़ा खूबसूरत सा। और ये है जी इसकी शर्ट जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और फिर मैंने दो तीन और भी बाय की हैं। और इसका जो है डिज़ाइन और इसका फैब्रिक नेट फैब्रिक है और बहुत ही मज़े का है। और इसके साथ लोकल मार्केट से मैंने ये देखें, ये इसके साथ बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये मैंने इसके साथ जो है ना वो स्टॉलर टाइप ले लिया ताकि ये मतलब ओवर ना लगे, क्योंकि इसकी शर्ट बहुत छोटी सी है, और साथ है इसके ये वाली जीन्स और स्ट्रेचेबल है ये। और बाकी मेरे जो कपड़े हैं वो कुछ टेलर के पास पड़े हुए हैं, और कुछ एक और है लेडी टेलर है, बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करती हैं वो। बाकी मैं उनको चार सूट दे के आई हूँ, जैसे ही वो स्टिच होके आएंगे तो फिर मैं उसकी वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी।